नमस्कार, मैं अनुज पाल, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बुधनी विधानसभा भैरुंदा तहसील के अंतर्गत आने वाले नर्मदा का प्रमुख घाट नीलकंठ, जहां पर हजारों नर्मदा की परिक्रमा के लिए श्रद्धालु आते हैं। नीलकंठ घाट पहुंचते ही वहां देखा गया कि ना तो नीलकंठ घाट पर परिक्रमा वासियों के लिए सार्वजनिक शौचालय है एवं ना ही उच्चतर बैठने की व्यवस्था है। आप नसुल लगन तहसील के प्रमुख मां नर्मदा घाट नीलकंठ में आई हो, तो क्या सुविधा देखने को मिली आपको? कोई सुविधा नहीं मिली। तो क्या चाहती है, क्या सुविधा होना चाहिए यहाँ पर? बाथरूम, नहाना धोना, घाट साफ होना चाहिए। कब के आए आप लोग? 2 घंटा हो गए। 2 घंटे से जी कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिली। तो क्या चाहती है आप सरकार से? सुविधा चाहिए और क्या, इस घाट पर सुविधा होनी चाहिए, होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, सब पूरा गंदगी है, सब साफ होना चाहिए। भाई साहब को दे माइक। भाई क्या नाम भाई साहब आपका? ओम प्रकाश राजपूत। अच्छा, कहाँ से परिक्रमा उठाई आपने? अड़ियाने बाबर से। अच्छा, इस घाट पे आप आए हो, मां नर्मदा का प्रमुख नसुल लगन तहसील का भी प्रमुख घाट कहलाता है और यहाँ पिछले 18 वर्षों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र का एरिया है। तो क्या सुविधाएं मिली, देखने को मिली इस घाट पे आपको? कुछ भी नहीं है यहाँ पर सुविधा, नहाने दो, मतलब ये घाट भी पूरा पड़ा हुआ है, थी आने जाने की व्यवस्था भी गड़बड़ है, लेटरिन बाथरूम के लिए उधर झाड़ी में गए, बड़ भैया काय की व्यवस्था है। तो नई सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? नई सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि चकाचक मामला होनी चाहिए, जो भी सीएम बनेगा नया वो। ठीक है, आप लोग कोई बोलना चाहे? घाट तो सुंदर है साहब, लेकिन सफाई नहीं है यहाँ पे। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, जो भी सीएम बने यहाँ के क्षेत्र के, विशेष ध्यान दे इस घाट पे। ये बहुत प्राचीन घाट है, नर्मदा पुराण में लेख है इसका और महत्व भी है। सभी परिक्रमावासी आशा करके आते हैं, आशीर्वाद आशा करके आते हैं, निराश होके जाते हैं। साफ सफाई का ध्यान देगा गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा है। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज चैनल से। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए बस इतना ही। मनोज पाल आपसे विदा चाहता हूँ।